मेरे सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है मोहित जैन और इस लेक्चर में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। साथियों, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने ये जाना था कि किसी टू डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, फिर उसके बाद हमने ये सीखा कि उसका डिक्लेरेशन विथ इनिशलाइजेशन कैसे करते हैं, और उसके बाद हमने जाना था कि किसी टू डायमेंशनल एरे की मेमोरी में मैपिंग किस तरह से होती है। अब साथियों, आज वो घड़ी आ चुकी है जब हमें ये सीख लेना चाहिए कि किसी टू डायमेंशनल एरे को किसी प्रोग्राम के अंदर हम किस तरह से एक्सेस कर पाएंगे। तो आइए साथियों, उस कला में माहिर बनते हैं जिसके ज़रिए हम किसी टू डायमेंशनल एरे को प्रोग्राम के अंदर एक्सेस कर पाएंगे। अब आओ यारो, हम एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसके ज़रिए हम किसी टू डायमेंशनल एरे को एक्सेस करना सीखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर हेडर फाइल्स जरूर लिख लीजिएगा दोस्तों। मैंने यहाँ हेडर फाइल्स नहीं लिखी है, पर आप जरूर लिख लीजिएगा। तो अभी हमने यहाँ पर एक टू डायमेंशनल एरे डिक्लेयर किया है और इसका इनिशियलाइजेशन करवाया है। इसकी साइज है 2x3, यानी कि इसके अंदर है 2 रो और 3 कॉलम। तो कुछ इस तरह से हम इस टू डायमेंशनल एरे को इमेजिन कर सकते हैं। तो मेरे यारो, आप लोग देख सकते हैं इस टू डायमेंशनल एरे के हर एक सेल के साथ जुड़ी हुई हैं दो बातें। हर एक सेल का एक पर्टिकुलर रो नंबर है और हर एक सेल के साथ जुड़ा हुआ है उसका एक कॉलम नंबर। यानी कि हमको अगर किसी भी पर्टिकुलर सेल को एक्सेस करना है तो हमें स्पेसिफाई करना होगा सबसे पहले तो एरे का नाम। सबसे पहले तो हम एरे का नाम लिखेंगे ही सही, और उसके बाद दो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम स्पेसिफाई करेंगे कि किस पर्टिकुलर रो और किस पर्टिकुलर कॉलम नंबर वाले सेल को हम यहाँ पर एक्सेस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, किसी प्रोग्राम के अंदर जब कभी भी हम टू डायमेंशनल एरे को एक्सेस करेंगे तो हमारी बात एक लूप से नहीं बन पाएगी। हमें यहाँ पर दो लूप का इस्तेमाल करना होगा, दो लूप्स की हमको करनी होगी नेस्टिंग। तो आओ देखते हैं किस तरह से हम एक नेस्टेड लूप के जरिए इस टू डायमेंशनल एरे को एक्सेस कर पाएंगे मित्रों। तो आओ साथियों, हम यहाँ पर दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स और डिक्लेयर कर लेते हैं। एक का नाम हम रख देते हैं आई और एक का नाम रख देते हैं हम जे। तो ये दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स हमने यहाँ क्यों डिक्लेयर किए, क्योंकि हमको आगे जाकर नेस्टेड लूप चलाना होगा, यानी कि दो लूप चलाने होंगे। उन दोनों लूप्स के काउंटर वेरिएबल के तौर पर हम यहाँ पर यूज करेंगे वेरिएबल आई को और वेरिएबल जे को। अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, मैं आउटर लूप यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। तो देखिए जरा किस तरह से मैं इस आउटर लूप को लिखता हूँ। पहले मैं लिख रहा हूँ 4। यहाँ मैं ले रहा हूँ आउटर लूप के काउंटर वेरिएबल के तौर पर इस वेरिएबल i को। तो हमारा जो i है वो आउटर फोर लूप के अंदर काउंटर वेरिएबल का किरदार निभाएगा। यहाँ इसको इनिशलाइज कर रहा हूँ मैं 0 से। तो दोस्तों, ये जो आउटर फोर लूप है इसके ज़रिए हम हर एक रो तक यहाँ पर पहुँचेंगे। हमारे टू डायमेंशनल एरे की हर एक रो तक पहुंचने का जरिया जो होगा हमारे पास वो होगा ये आउटर फोर लूप। ये जो काउंटर वेरिएबल है आई दोस्तों, ये एक तरह से हमारे टू डायमेंशनल एरे की रो के इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने इसको इनिशियलाइज किया दोस्तों 0 से। अब जरा बताएं हमारे इस 2D एरे के अंदर रो का मैक्सिमम इंडेक्स नंबर कौन सा है। तो दोस्तों वो है 1। तो इस आई की वैल्यू को हम कहाँ तक लेकर जाएंगे, बढ़ाते बढ़ाते 1 तक। और हर इटरेशन के साथ हम आई की वैल्यू में 1 का इजाफा कर रहे हैं, 1 से इसको इंक्रीज कर रहे हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई रो की बात। अब इस आउटर फॉर लूप का हम करली ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। अब इसके अंदर साथियों हम लिखने वाले हैं हमारा अगला लूप, और इस लूप के लिए जो काउंटर वेरिएबल है उसका किरदार निभा रहा है ये वेरिएबल जे। तो दोस्तों, ये जो इनर फोर लूप है इसके ज़रिए हम हमारे टू डायमेंशनल एरे के हर एक कॉलम तक पहुंचेंगे। इसके ज़रिए तो हम हर एक रो तक पहुंच जाएंगे,
पहले किसी एक रो तक पहुंचेंगे और फिर उसके बाद हम उसके सारे कॉलम्स को यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे। तो उस काम को अंजाम देने के लिए हमारे पास है ये इनर फॉर लूप। तो यहाँ पर अब हम इस जे की वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे हैं दोस्तों जीरो से, और जे की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हम रख रहे हैं यहाँ पर टू, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे पास कितने कॉलम्स हैं यहाँ पर साथियों, तीन कॉलम है। तो सबसे जो मैक्सिमम इंडेक्स नंबर है हमारे पास वो है टू। इंडेक्स नंबर पहला है जीरो, फिर वन, फिर टू। तो इसलिए हम इस जे की वैल्यू को ले जाएंगे जीरो से लेकर टू तक, क्योंकि हमारे टू डायमेंशनल एरे के कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर ये वेरिएबल जे। अब यहाँ लगा देते हैं सेमी कॉलन और फिर जे प्लस प्लस। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, हमने यहाँ पर एक लूप के अंदर एक और लूप यहाँ पर लगा दिया है, तो ये नेस्टेड लूप बन गया। अब इस इनर लूप का कर्ली ब्रैकेट हमने यहाँ ओपन कर दिया है। अब यहाँ हम लिख रहे हैं प्रिंट एफ, और इस प्रिंट एफ के अंदर हम लिख देते हैं परसेंटेज डी, फिर स्लेशन, अरे का नाम ए, और फिर यहाँ लिखते हैं इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिख देते हैं आई, अगले स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया हमने जे। तो आई है हमारा रो का इंडेक्स नंबर और जे है हमारा कॉलम का इंडेक्स नंबर। फिर इस इनर फॉर लूप का कर्ली ब्रैकेट हमने कर दिया है बंद, और इस आउटर फॉर लूप का भी कर्ली ब्रैकेट हमने कर दिया है बंद। फिर इसके बाद साथियों हमने यहाँ पर लिख दिया है गेट सी एच, और कर्ली ब्रैकेट हमने कर दिया है बंद मेन फंक्शन का। तो मेरे यारो, इस प्रोग्राम के जरिए हम इस टू डायमेंशनल एरे के हर एक सेल को एक्सेस भी कर पाएंगे और उसकी वैल्यू को यहाँ पर हम प्रिंट भी कर पाएंगे। पर इस चीज़ को और बेहतर समझने के लिए इसके एग्जीक्यूशन को देख लेना हमारा मुनासिब होगा। तो दोस्तों आइए इसके एग्जीक्यूशन को देखते हैं, वन बाय वन इसके हर एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो साथियों सबसे पहले ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो मेमोरी में एक टू डायमेंशनल एरे का जन्म होगा, और उसकी साइज होगी दोस्तों 6 इंटीजर्स को स्टोर करने के काबिल, यानी कि अगर हम बाइट्स में बात करें तो 12 बाइट्स। 12 बाइट्स हम इसलिए कह रहे हैं दोस्तों क्योंकि हम यहाँ पर एक इंटीजर की साइज को 2 बाइट कंसिडर करके चल रहे हैं। अगर हमारा 16 बिट का कंपाइलर है तो एक इंटीजर की साइज 2 बाइट होगी, यानी कि ये जो टू डायमेंशनल एरे है ये मेमोरी में 12 बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा मेरे साथियों। अब तो हम इस टू डायमेंशनल एरे को कुछ इस तरह से देख सकते हैं, एक मैट्रिक्स की तरह, पर एक्चुअल मेमोरी में ये किस तरह से स्टोर होगा ये चीज तो आप दोस्तों अब समझ ही चुके हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किसी टू डायमेंशनल एरे की मेमोरी मैपिंग किस तरह से होती है। एक्चुअल मेमोरी स्टोरेज तो इसका एक कंटिगस ब्लॉक में होगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर इसको समझने के लिए कुछ इस तरह से हम इसको एक मैट्रिक्स की तरह यहाँ देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके अंदर है 2 रो जिनके इंडेक्स नंबर है 0 और 1, और इसमें है 3 कॉलम्स जिनके इंडेक्स नंबर है 0, 1 और 2, और इनमें जाकर स्टोर हो गए हैं ये सारे एलिमेंट्स। अब थोड़ा और आगे आते हैं तो दोस्तों जैसे ही ये वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो मेमोरी में 2 इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स का और जन्म हो जाएगा जिनका नाम है आई और जे। तो साथियों 2-2 बाइट के ये 2 वेरिएबल्स यहाँ पर बन गए आई और जे। इनको हम काउंटर वेरिएबल के तौर पर आगे जाकर इस्तेमाल करने वाले हैं। फिर इसके बाद CLRSR हमारी स्क्रीन को क्लियर कर देगा, आउटपुट स्क्रीन को। अब दोस्तों असली कहानी यहां से शुरू होती है। अब जरा देखिए, सबसे पहले कंट्रोल इस आउटर फॉर लूप पर आएगा। जैसे ही इस आउटर फॉर लूप पर आएगा तो आई इनिशियलाइज हो जाएगा यहां पर 0 से, ये वाला एक्सप्रेशन पहले एग्जीक्यूट होगा। तो आई की वैल्यू दोस्तों इनिशियलाइज हो गई यहां 0 से। फिर इसके बाद कंट्रोल यहां से आएगा इस एक्सप्रेशन 2 पर, आउटर फॉर लूप के एक्सप्रेशन 2 पर, इस कंडीशन को चेक करेगा। जरा बताएं मेरे यारो, ये कंडीशन ट्रू है क्या? जी हाँ ट्रू है, 0 less than or equals to 1 ट्रू। तो कंट्रोल अंदर आया।
जैसे ही इस आउटर फॉर लूप के अंदर कंट्रोल आया तो दोस्तों उसका दीदार हुआ अब इस इनर फॉर लूप से। अब इस इनर फॉर लूप के अंदर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले कंट्रोल यहाँ आएगा जहाँ जे की वैल्यू जो है वो जीरो से इनिशियलाइज हो जाएगी मेरे साथियों। तो यहाँ जे की वैल्यू जीरो से इनिशियलाइज हो गई कुछ इस तरह से। फिर उसके बाद कंट्रोल यहां से आया इस इनर फॉर लूप के एक्सप्रेशन टू पर। अब ये कंडीशन चेक की गई जो कि कंडीशन है ट्रू, तो कंट्रोल अंदर आया। अब जैसे ही कंट्रोल इस इनर फॉर लूप के भी अंदर आया तो यहां पर इसका इंतजार कर रहा था ये प्रिंट एफ। तो इस इनर फॉर लूप के अंदर आते ही ये इस प्रिंट एफ के आगोश में समा गया दोस्तों। और इस प्रिंट एफ के जरिए यहां पर अब एक वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, एक इंटीजर की वैल्यू इस परसेंटेज डी की जगह पर। कौन सी होगी वो वैल्यू तो वो दोस्तों यहां से डिसाइड हो जाएगी। जरा बताएं दोस्तों आई की वैल्यू कितनी है इस वक्त, तो आई की वैल्यू है जीरो। जे की वैल्यू है कितनी इस वक्त, वो भी है जीरो। तो इस एरे ए के रो नंबर जीरो और कॉलम नंबर जीरो की वैल्यू यहां पर प्रिंट हो जाएगी। रो नंबर जीरो क्यों, क्योंकि दोस्तों यहां पर ये जो आई है ये रो की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, रो के इंडेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और दोस्तों ये जो जे है ये कॉलम के इंडेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले वाले स्क्वायर ब्रैकेट में हम रो का इंडेक्स नंबर यहां पर स्पेसिफाई कर रहे हैं और दूसरे वाले स्क्वायर ब्रैकेट में हम कॉलम का इंडेक्स नंबर स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो इस तरह से ए जीरो जीरो यानी कि एरे ए की रो नंबर जीरो का कॉलम नंबर जीरो वाला एलिमेंट यहां पर हम एक्सेस कर रहे हैं और वो इस परसेंटेज डी की जगह पर प्रिंट हो जाएगा साथियों। तो मेरे यारों मान लेते हैं ये हमारी आउटपुट स्क्रीन है, तो सबसे पहले यहां क्या दिखेगा दोस्तों टू, तो इस परसेंटेज डी की जगह टू प्रिंट हो गया। फिर स्लैश एन की वजह से कर्सर अगली लाइन में आकर टिक जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा तो दोस्तों इनर फॉर लूप का कर्ली ब्रैकेट यहां पर अब क्लोज हो गया है। तो कंट्रोल अब यहां से कहां जाएगा, तो यहां से दोस्तों अब सीधा कंट्रोल चला जाएगा इनर फॉर लूप के एक्सप्रेशन थर्ड पर। अब यहां क्या हो रहा है, तो यहां पर दोस्तों जे की वैल्यू में एक से इंक्रीमेंट हो रहा है, एक का इजाफा हो रहा है। तो जे की वैल्यू जो अब तक थी जीरो अब हो जाएगी वन और कंट्रोल आएगा इस एक्सप्रेशन टू के पास। अब क्या ये कंडीशन ट्रू है, तो जी हाँ दोस्तों ये कंडीशन ट्रू है। जे की वैल्यू वन है, वन टू से छोटा है, तो कंट्रोल फोर लूप के अंदर आया। अब फिर से इस इनर फोर लूप के अंदर जब कंट्रोल आया तो इस परसेंटेज डी की जगह अब इस बार जो वैल्यू प्रिंट होने वाली है वो प्रिंट होने वाली है ए आई जे की वैल्यू, और इस बार आई की वैल्यू है दोस्तों जीरो और जे की वैल्यू है वन, जिसका मतलब ये हुआ कि इस टू डायमेंशनल एरे के रो नंबर जीरो में कॉलम नंबर वन की वैल्यू, और जरा बताएं दोस्तों वो वैल्यू कितनी है, ये फोर। तो दोस्तों यहां पर प्रिंट हो जाएगा फोर। फिर इसके बाद ये वाला कर्ली ब्रैकेट क्लोज हुआ इनर फॉर लूप का, और फिर से कंट्रोल यहां से गया एक्सप्रेशन थ्री के पास जहां जे की वैल्यू में फिर से एक का इजाफा हो गया और जे की वैल्यू जो थी वन अब हो गई है टू। अब जैसे ही जे की वैल्यू टू हुई कंट्रोल एक्सप्रेशन टू के पास आया, इस कंडीशन को चेक किया गया। जरा बताएं दोस्तों क्या ये कंडीशन ट्रू है, जी हाँ ट्रू है। कंट्रोल इस इनर फॉर लूप के अंदर आया है, यहां से फिर ये इस प्रिंटेफ के आगोश में समाया है और इस प्रिंटेफ के जरिए यहां फिर से अब अरे के एक और खुशकिस्मत सेल की वैल्यू प्रिंट होने जा रही है। कौन है वो खुशकिस्मत सेल, तो ये पता लगाने के लिए दोस्तों हमें ध्यान देना होगा आई और जे की वैल्यू पर। अब जरा बताएं दोस्तों इस पल में आई की वैल्यू कितनी है, तो दोस्तों इस पल में आई की वैल्यू है जीरो, जे की वैल्यू है टू, यानी कि इस टू डायमेंशनल एरे के रो नंबर जीरो के कॉलम नंबर टू की वैल्यू यहां प्रिंट होने वाली है, यानी कि अगली वैल्यू जो आपका आउटपुट स्क्रीन पर नजर आएगी वो क्या होगी, सिक्स। अब
फिर से कंट्रोल ने इस इनर फोर लूप के क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट को देखा और यहाँ से घूमकर वो आया यहाँ पर। जे की वैल्यू में हुआ एक का इजाफा, जे की वैल्यू बढ़कर हुई थ्री। अब जैसे ही जे की वैल्यू बढ़कर हुई थ्री तो ये वाली जो कंडीशन थी ये हो गई है फॉल्स, यानी कि कंट्रोल अब इस इनर फोर लूप से आ जाएगा बाहर। अब जरा बताएं दोस्तों, जब कंट्रोल इनर फोर लूप से बाहर आएगा तो वो कहाँ आएगा? तो इनर फोर लूप से बाहर यानी कि इस वाले कर्ली ब्रैकेट पर, जो कि है आउटर फोर लूप का क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट। तो अब ये आउटर फोर लूप का जो क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट इनकाउंटर हुआ है, इससे कंट्रोल कहाँ चला जाएगा दोस्तों? आउटर फोर लूप के एक्सप्रेशन थ्री पर, क्योंकि अभी आउटर फोर लूप का इटरेशन तो चल ही रहा है। यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे आउटर फोर लूप ने तो अपना एक इटरेशन पूरा कर लिया और उसी दौरान इनर फोर लूप ने अपने सारे इटरेशन पूरे कर लिए। अब ये चीज़ तो हम बड़े ही अच्छे से समझ चुके हैं जब हमने नेस्टेड लूप्स पढ़े थे। अगर आपको ये चीज़ समझने में अगर थोड़ी दिक्कत हो रही है तो दोस्तों मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप हमारे वो लेक्चर्स जरूर देखें जिसके अंदर हमने नेस्टेड फोर लूप्स के बारे में जिक्र किया था। आप इस वक्त देख सकते हैं नीचे स्क्रीन पर, हमने वो लेक्चर नंबर भी आपके लिए मेंशन कर दिए हैं जहां से आप नेस्टेड फोर लूप को इजीली समझ पाओगे। क्योंकि दोस्तों टू डायमेंशनल एरे को एक्सेस करने के लिए हमें नेस्टेड लूप्स की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों यहां पर अब कंट्रोल आया इस आई प्लस प्लस पर। अब इस आई प्लस प्लस के जरिए आई की वैल्यू हो जाएगी वन। अब आई की वैल्यू जैसे ही वन हुई दोस्तों, तो कंट्रोल यहां आया, कंडीशन है ट्रू, तो कंट्रोल अब इस आउटर फोर लूप के अंदर समा जाएगा, यानी कि आउटर फोर लूप अपना दूसरा इटरेशन शुरू करने जा रहा है। तो साथियों एक चीज यहां पर जानने लायक है, वो ये है कि आउटर फोर लूप ने जब अपना पहला इटरेशन पूरा किया तब उसने पहली रो के सारे एलिमेंट्स एक्सेस कर लिए। यहां मेरा पहली रो से मतलब है वो रो जिसका इंडेक्स नंबर है जीरो। तो रो विथ इंडेक्स नंबर जीरो के यहाँ पर सारे एलिमेंट्स एक्सेस हो गए थे, यानी कि टू डायमेंशनल एरे की एक रो हमने एक्सेस कर ली थी। अब जैसे ही आउटर फोर लूप का अगला इटरेशन शुरू हुआ तो आप ये देख सकते हैं कि टू डायमेंशनल एरे की अब इस अगली रो पर हमने हमारा रुख कर लिया है, यानी कि अब ये वाली रो हम एक्सेस करने जा रहे हैं। तो क्या होगा? अब कंट्रोल अंदर आएगा। तो दोस्तों अब कंट्रोल इनर फोर लूप पर आया, सबसे पहले अब क्या होगा? वही होगा जो पिछली बार हुआ था, जे की वैल्यू जीरो हो जाएगी। फिर उसके बाद कंट्रोल इस इनर फोर लूप के अंदर आएगा और यहां से जो वैल्यू प्रिंट होगी वो प्रिंट होगी ए वन जीरो, यानी कि इस एरे का रो नंबर वन और कॉलम नंबर जीरो, बोले तो ये एट, तो यहां से प्रिंट हो जाएगा 8। तो दोस्तों इस तरह से आप ये देखेंगे कि i की वैल्यू तो 1 बनी रहेगी, j की वैल्यू 0 से फिर हो जाएगी 1, फिर हो जाएगी 2, और इस तरह से इस टू डायमेंशनल अरे की ये जो रो है जिसका इंडेक्स नंबर 1 है ये रो भी एक्सेस हो जाएगी। तो यहां प्रिंट हो जाएगा 8, 10 और 12। फिर उसके बाद दोस्तों j की वैल्यू बढ़ते बढ़ते पहुंच जाएगी 3 और इनर लूप हो जाएगा बंद। फिर कंट्रोल इस आउटर लूप के क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट पर आएगा और यहां से वापस घूम कर आएगा इस आउटर फोर लूप के एक्सप्रेशन थर्ड पर और आई की वैल्यू जो कि थी 1 बढ़कर हो जाएगी 2। फिर उसके बाद जब ये कंडीशन चेक की जाएगी तो आउटर फोर लूप की ये जो कंडीशन है ये भी हो जाएगी फॉल्स, तो कंट्रोल आउटर फोर लूप से बाहर आ जाएगा। फिर उसके बाद कंट्रोल आएगा इस गेट सी एच पर और हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो जाएगा मुकम्मल। तो साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इस टू डायमेंशनल एरे के हर एक सेल को एक्सेस कर लिया, हर एक सेल में रखी हुई वैल्यू को प्रिंट कर लिया। अब यहाँ गौर फरमाने वाली बात यह है कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हर एक एलिमेंट जो हमने यहाँ पर एक्सेस किया है तो वो रो मेजर ऑर्डर में एक्सेस हुआ है। रो मेजर ऑर्डर से मेरा मतलब ये है कि पहले रो विथ इंडेक्स नंबर 0 एक्सेस हुई 2, 4, 6, फिर उसके बाद रो विथ इंडेक्स नंबर 1 एक्सेस हुई 8, 10, 12,
तो ये हुआ है दोस्तों इस टू डायमेंशनल एरे का रो मेजर ऑर्डर में एक्सेस। अब हमारे जहन में एक सवाल का उठना लाजमी है दोस्तों, और वो सवाल है ये कि क्या हम इस टू डायमेंशनल एरे को कॉलम मेजर ऑर्डर में भी एक्सेस कर सकते हैं। कॉलम मेजर ऑर्डर से हमारा क्या मतलब है? कॉलम मेजर ऑर्डर से हमारा मतलब है कि पहले कॉलम नंबर जीरो के सारे एलिमेंट एक्सेस हो जाएं, फिर कॉलम नंबर वन के सारे एलिमेंट एक्सेस हो जाएं, फिर कॉलम नंबर टू के, यानी कि आउटपुट स्क्रीन पर नजर आए 2, 8, 4, 10, 6, 12। कॉलम बाय कॉलम हम इस टू डायमेंशनल एरे को एक्सेस करना चाहते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है? तो दोस्तों जी हाँ, बिल्कुल हम ऐसा कर सकते हैं। इस सवाल का जवाब जानेंगे हम अगले लेक्चर में। इस लेक्चर को दोस्तों अब हम यहीं एंड करते हैं। होती है मुलाकात आप सभी से अगले लेक्चर में। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।